वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ टू माय ऑल ब्यूटीज। एंड अभी बस मैं नहा के आ गई हूँ, देन थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। एंड इसके बाद में मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करती हूँ कि क्या क्या आज पहनना है। मैंने कल कुछ भी नहीं किया, बस मेहंदी ही लगवाई है, बाकी ये रही मेरी मेहंदी, कुछ इस टाइप की मेहंदी है ऐसे, और दिखाती हूँ ये कुछ। ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही लगवाया। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी एडवांस बुकिंग थी तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही लगवा ली। एंड इसके बाद में मैं सारी प्रिपरेशन करती हूँ देन कि मुझे क्या पहनना है। अभी कोई डिसाइड नहीं है कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ, तो वो मैं पहले देख लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है एंड उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। देन मैं थोड़ा किचन में जाऊँगी, सारा थोड़ा देखूँगी वहाँ पर क्या बनाना है। और अभी बस थोड़ा सा हेडेक स्टार्ट हो गई है, प्यास तो मुझे नहीं लग रही है, बस थोड़ा सा हेडेक है। एक्चुअली क्या है कि मैं चाय पीती हूँ, अगर मुझे चाय नहीं मिलती है तो थोड़ा हेडेक स्टार्ट होने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके अभी हेडेक है। शाम तक की देखते हैं कि कितनी ये हेडेक बढ़ती है या नहीं। आई होप कि सब कुछ अच्छा रहे, पूरा दिन अच्छे से निकले। एंड यहाँ पे आज हो रही है बारिश, तो थोड़ा सा थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्योंकि लास्ट ईयर भी बारिश हो रही थी और हम लोगों को चांद देखने को नहीं मिला था। आई थिंक सब कुछ लोग बोल रहे थे कि 12 बजे के बाद निकला था चांद, बट मुझे पता नहीं था, तो जहाँ पे मेरे घर में वहाँ पे निकला था तो मैं वहाँ पे वीडियो कॉलिंग से मैंने व्रत खोल लिया था। तो आज देखते हैं कि आज क्या होता है। बारिश तो हो रही है, अभी देखते हैं शाम तक की कि कैसा वेदर रहता है। अगर अच्छा, आई होप सब कुछ अच्छा हो एंड अच्छा से दिन निकले, अच्छे से चांद नज़र आ जाए और अच्छे से पूजा हो जाए। तो यही है, बस अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। एंड सो आज जो मैंने वेयर किया है वो है येलो कलर का कुर्ता, एंड कुर्ता विद स्कर्ट है, तो पूरा अपना आउटफिट अभी दिखाते हैं। सो गाइस, ये है मॉर्निंग का आउटफिट मेरा, एंड इसमें ये मैंने एक येलो कलर का कुर्ता पहन रखा है, देन ये मेरी स्कर्ट है इसमें, इस टाइप का पूरा है। ये मैंने अपने एक मिंत्रा हॉल में दिखाया हुआ है, वहाँ से अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बस ये है आज का दिन, मैंने मंगलसूत्र एंड ये थोड़ा सा गोल्ड का वेयर किया है। सो गाइस, अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। एंड इसमें जो है ये मैंने लिया है नेल पॉलिश रिमूवर, और इसको ये इस टाइप से है, और इसको इस टाइप से दो तीन बार ऐसे करूँ और देन ये निकल जाता है, पूरा अच्छे से निकल जाता है। सो गाइस, अभी बस मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ और ये है इस टाइप का कलर है, ये मेरे जो मेरा आउटफिट है उससे मैच कर रहा है, तो ये मैं लगा लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता, और मैं पूरा और तो किसी दिन नहीं लगा पाती हूँ, सिर्फ करवा चौथ में ही लगा लेती हूँ। ट्राई मैं यही करती हूँ करवा चौथ में कि मैं सारा सब कुछ जो भी सुहाग की चीज़ें हैं वो मैं करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना आलता लगा लिया है एंड बताइएगा कि ये कैसा लगा। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन जैसा आता है बस मैंने वही लगा लिया है। सो गाइस, अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं कढ़ाई पनीर बना रही थी तो उसका ये मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। सॉफ्ट एंड लॉन्ग, तो ये पहले अच्छे से इसको भून लेंगे, थोड़ा सा थोड़ा ये खड़ा धनिया डाल दिया, इसमें डालेंगे जीरा, उसके बाद में डाल देंगे सौंफ, काली मिर्च, लौंग, सिनेमन एंड लाल मिर्च। ये इसको डाल दिया, इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे। ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इस टाइप से इसका रहेगा ये मसाला। और
ये हो गया, मसाला रेडी हो गया। दिन में ये इधर गोभी, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी पूजा होने वाली है। तो यहाँ पे ये गोभी मेरी बॉइल्ड हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। सो अब यहाँ पे मैं दो कढ़ाई रखने वाली हूँ क्योंकि दो सब्जी बनानी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। प्रिपरेशन थोड़ी कर ली है मैंने, तो जल्दी जल्दी करेंगे। एक में कढ़ाई पनीर बनाएंगे, एक में जो है आलू और गोभी की सब्जी बना रहे। इसके लिए लेंगे सबसे पहले ये मस्टर्ड ऑयल। दोनों सब्जियां मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी। थोड़ा सा ही लें का इतना ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, एंड दूसरे में भी डाल देंगे। तो ये गोभी जो मैंने बॉइल्ड की थी ये वो है, एंड ये इसलिए बॉइल्ड की थी क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश का सीजन है तो उसमें हल्के से कीड़े वगैरह दिख जाते हैं, तो उससे ये है कि बॉइल कर लो तो क्लीन तो वैसे भी किया था, बट इसमें बॉइल फिर भी मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा सही रहता है। तो तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें गोभी डाल दूंगी। तो मैंने मसाला ऑलरेडी कढ़ाई पनीर का तैयार कर लिया है, तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा गार्लिक डालूंगी। मैं अनियन डाल रही हूँ, ये कढ़ाई पनीर बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा चॉप अनियन डालेंगे, थोड़ा बारीक चॉप करके। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, बट ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ और मैं नॉर्मली ऐसे ही रखती हूँ, थोड़ा मैं फाइन पेस्ट बना के नहीं इसको कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। इसमें ये गोभी जो है वो थोड़ी रोस्ट हो गई है तो इसको निकाल लेते हैं सारी। ये इसमें ये गार्लिक भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे ये प्याज। अभी मैं यहाँ पे जो कढ़ाई पनीर वाला जो मसाला बनाया था वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे, बाकी बाद में डालेंगे। में इस टाइप का ये मसाला भून गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें ये जो आलू है वो डाल देंगे। ये आलू ऐड कर देंगे और आलू को थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे क्योंकि ऑलरेडी जो गोभी है वो उसको पहले मैंने उबाला था, देन इसको रोस्ट किया था, तो ये तो ऑलमोस्ट पकी हुई है, 70% तो कुक हो चुकी है। देन आलू अभी बहुत ही अभी कच्चे हैं पूरे, तो इसको हल्का सा यहाँ पे कुक होने देंगे, देन गोभी डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने अनियन और जो कैप्सिकम है वो यहाँ पे डाल दी है। थोड़ा सा थोड़ा ही कुक करेंगे, ज्यादा कुक नहीं करेंगे, अगर ज्यादा कुक करेंगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ी सी क्रंची ही रहे तो थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। और बहुत ही सिंपल में बना रही हूँ, कोई इसमें कर्ड ऐड नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, बस इसमें पनीर डालूंगी और ये जो मसाला मैंने बनाया था वो करूंगी बस, और कुछ नहीं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे आलू जो है वो थोड़ी कुक हो गई है, अब इसमें ऐड कर दूंगी ये गोभी। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि आलू अच्छे से पक जाए और जो नमक है वो आलू के अंदर भी चला जाए। तो इसको इसमें डाल दिया है और इसको पकने देंगे। तो जब तक की सब्जी बन रही है तब तक की जो है वो आटा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आटा प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ कचौड़ी, तो कचौड़ी जो है वो बनाने वाली हूँ इसकी, ये जो है चने की दाल की, एंड ये है पेस्ट उसका इस टाइप का। इसको चने को थोड़ा सा इसमें भिगो दिया, देन इसको उबाल के एंड पीस लिया। इसमें जो है थोड़ा नमक और धनिया, हरा धनिया ये सब डाल के इसको इस टाइप से बना दिया ये है। एंड आलू की कचौड़ी बनाएंगे, तो आलू की कचौड़ी में ये आलू का पूरा पेस्ट बना दिया है। इसमें ज़्यादा मैंने कोई मसाला वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ हरा धनिया है और नमक है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो ये है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा
ये आटा प्रिपेयर कर लेती हूँ। इस चीज को जो है आटा गूंथना अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, खास तौर पे जब हाथों में मेहंदी लगी हो और नेल्स वगैरह अच्छे से बने हो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है आटा गूंथना, बट मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये आटा इसको ले लिया, देन इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक। मैं कोई भी तेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑलरेडी सब वो है सब्जी वगैरह है, तो इसलिए मैं इसमें तेल नहीं ऐड कर रही हूँ। और ये है थोड़ा सा नमक डाल दिया, देन इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया। सुबह इस आटा मैंने प्रिपेयर कर दिया है इस टाइप का। और अगर आप कभी कचौड़ी बनाए या पूरी भी बनाए तो आटे को जो है आधा घंटा रख दें, मिनिमम आधा घंटा रख दें, उससे क्या हो जाएगा कि पूरी बहुत ही सॉफ्ट निकलेंगी और काफी फूली हुई निकलेंगी। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा रेडी होने जा रही हूँ, और क्योंकि मुझे अभी बनाना नहीं है तो मैं रेडी होने जा रही हूँ, और उसके बाद में फिर मैं पूजा करूँगी, तब तक की आटा भी अच्छे से हो जाएगा, और फिर पूजा करने के बाद मैं कचौड़ी बनाऊँगी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं उसके बाद में कचौड़ी, पूजा करने के बाद में कचौड़ी बना के रख दूंगी। अभी तो बारिश हल्की हल्की हो रही है, यहाँ पे बादल हैं, तो देखते हैं रात में जो है चंदा मामा अपने दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, तो वो देखते हैं कि अभी बादल वगैरह अगर खुल जाए तो अच्छी बात है। आलू गोभी की सब्जी तैयार हो गई है, और चेक कर लेते हैं, पूरे अच्छे से भून गई है, अच्छे से पक गई है इस टाइप की। आप इसके बाद में मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया, ये हरा धनिया डाल दिया। यहाँ पे मैं मीठा बनाने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, एंड मीठे में बना रही हूँ मैं हलवा, और मैं थोड़ी सी मिठाई मैंने बाहर से मंगवा ली है, तो घर का थोड़ा सा मीठा जो पूजा होगी उसमें भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए थोड़ा सा मीठा बना लेती हूँ, मीन्स हलवा बना लेती हूँ, सूजी का हलवा बनाऊंगी मैं। आलू गोभी की सब्जी रेडी हो गई है, देन यहाँ पे ये जो पनीर और की सब्जी, कढ़ाई पनीर की जो सब्जी है वो उसका पेस्ट पूरा रेडी हो गया है, बस इसमें पनीर डालना है, और बस ये भी रेडी हो जाएगा। आटा गूंथ गया है मेरा, वो भी रख देते हैं। देन इसके बाद में मैं अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए, तो बस रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, मेकअप का वीडियो एक अलग से आएगा तो मैं इसमें इसको ऐड नहीं की हूँ, एंड अब पहले एक्चुअली मैंने पूरा इसका प्रिपरेशन कर ली थी, उसके बाद में मैं रेडी हुई थी। देन अब यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ, और मेरे इन लॉज में क्या होता है कि घर में ही कथा करते हैं, तो इसलिए मैं घर पे ही कथा कर रही हूँ। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं छत पे, और छत पे सभी लोग वेट कर रहे थे, एक्चुअली काफ़ी बारिश हो रही थी तो बादल बहुत थे, तो थोड़ी देर के लिए निकलते थे एक दो सेकंड के लिए, फिर छिप जाते थे, तो उसमें कोई पूजा नहीं हो पा रही थी। देन यहाँ पे थोड़े से मुझे दिखे थे तो मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी, और थोड़ी देर के लिए ही बस निकले थे, वो बस 2-3 मिनट के लिए निकले थे, तो उसी में मैंने थोड़ा बहुत कर ली पूजा जैसे कर पाई। आउटफिट, और मैंने ये वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ है, और सारा सब कुछ हो गया, इतना टाइम नहीं मिला कि मैं मेकअप के बाद मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी पूजा के लिए मैं लेट हो रही थी, तो मैं बस फटाफट गई और पूजा की, एंड भी पूड़ियाँ निकालनी है वो निकाल लेते हैं उसके बाद में ये सारा, पहले तो मैं चेंज करती हूँ, फिर बहुत हैवी लहंगा है, मैंने ज़्यादा एक्चुअली मैं बहुत कुछ सोचा था कि मैं कुछ हेयर स्टाइल अच्छी बनाऊँगी, बट इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ अच्छा सा मैं हेयर स्टाइल बना पाती, तो बस एक ऐसे ही पीछे चूड़ा ऐसे लगा के गजरा लगा लिया, देन अभी बस मैं ये सब चेंज करके उसके बाद में फिर पूड़ियाँ निकाल के देन दिखाते हैं कि मैंने क्या थाली में तैयार किया है, उसके बाद में मिलते हैं। तो बस ये है करवा चौथ की थाली, और जैसे मैंने आपको दिखाया था ये कढ़ाई पनीर, एंड ये आलू गोभी की सब्जी, एंड इसमें ये है कुकुम्बर का रायता,
और ये जीरा राइस। एंड इसमें जो है ये मैंने बताया था कि आपको, ये है आलू की कचौड़ी एंड ये है दाल की कचौड़ी, बाकी दो प्लेन है ये पूरी। एंड आप भी खाना एंजॉय करिए एंड मैं भी करती हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।